अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पैराडाइज लॉस्ट बुक वन की लाइंस 320 से लेके 345 तक जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो लाइंस हमने डिस्कस की, हमने उन लाइंस में एपिक पोएट्री की इम्पोर्टेंट क्वालिटीज को देखा, फिर सैटर्न की जो करेक्टराइजेशन है इस पोएम में, जो कि वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज फॉर एज योर एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आर कंसर्न, उसको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा मिल्टन का जो स्टाइल है उसकी इम्पोर्टेंट स्ट्राइकिंग क्वालिटीज को हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, ये तीन ही क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एंड जनरली दे आस्क इन एग्जामिनेशन। आपको इन क्वेश्चन को जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आज जो लाइंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सैटर्न की करेक्टराइजेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो सैटर्न की एक स्पीच का हिस्सा है। एक्चुअली स्टोरी कुछ यहाँ इस तरह से कनेक्ट होती है। सैटर्न अपने आप को हेल में डिस्कवर करता है, बीएल्जेबुब उसके साथ उसका लेफ्टिनेंट होता है। देन दे डिसाइड टू मूव टू अ सॉलिड प्लेस इन हेल। वहाँ पे जाके दोबारा अगेन जो है वो सैटर्न अपने बाकी एंजल रेबल एंजल्स को लेने के लिए, उनको उठाने के लिए, जो शिकस्त के बाद आग के समुंदर में बहुत ही अबतर हालत में पड़े होते हैं, उनको वापस लेने के लिए जो है वो आता है। तो ये लाइंस इस लिहाज से अहम है। ये सैटर्न की वो स्पीच है जिसमें ही कॉल्स हिज रेबल एंजल्स एंड टेल देम व्हाट दे शुड डू इन फ्यूचर। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ ताकि टेक्स्ट जो है वो आपके सामने रहे और उसके बाद आप उससे खुद से जो है वो अच्छी तरह से देख सकें। तो ये हम यहाँ पे स्क्रीन जो है वो शेयर करते हैं, स्लाइड शो मोड में जाते हैं ताकि टेक्स्ट जो है वो बड़ा होके आपके सामने आए। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट बुक वन, और लाइंस जो हम डिस्कस करेंगे वो 320 to 345 हैं। चलिए जी, इन लाइंस में देखते हैं क्या है। सैटर्न जो है वो ही हैज कम बैक अगेन ऑन द शोर ऑफ द सी ऑफ फायर, जो आग का समंदर है उसके किनारे पे वो वापस आया। एंड नाउ ही इज कॉलिंग हिज फ्रेंड्स। कॉल्ड सो लाउड, यानी वो इतनी ऊंची आवाज में बोला दैट ऑल द हॉलो डीप ऑफ हेल रिजाउंडेड, कि उसकी आवाज जहन्नम की सारी वादियों में जो है वो गई। एक किस्म की गूंज थी, एक किस्म की इर्तआश था उसकी आवाज का, जो आसानी से महसूस किया जा सकता था। अच्छा, अब वो जो है वो किस तरह से अपने जो सपोर्टर्स हैं, अपनी आर्मी के जो एंजल्स हैं, उनको किस तरह से जो है वो एड्रेस कर रहा है। उन्हें प्रिंसेस बोलता है, पोटेंटेट्स बोलता है, और वॉरियर्स। पोटेंटेट मीन्स समवन वेरी पावरफुल। वॉरियर्स द फ्लावर ऑफ हेवन, उनको जन्नत के फूल कहता है। वंस योर्स नाउ लॉस्ट, अब उन्हें याद दिलाता है कि कभी वो तुम्हारी थी, अब एज यू हैव बीन डिफीटेड बाय गॉड, खुदा ने तुमको शिकस्त दे दी है। एंड नाउ यू डू नॉट पोजेस दैट हेवन एनी मोर, अब वो जन्नत जो है वो तुम्हारे पास नहीं है। अच्छा, अगला वो अब एग्जॉर्टेशन देखें उसकी, के वो हाउ ही कॉल्स देम टू एक्शन इफ सच एस्टोनिशमेंट एज दिस कैन सीज इटर्नल स्पिरिट्स। उनको इटर्नल एंजल्स को इटर्नल स्पिरिट्स कह रहा है कि दायमी रूहें हो तुम, हमेशा रहने वाली जो है वो मखलूक हो। अगर कहता है ये इस किस्म की जो हैरत है, ये हैरानी है, अगर ये तुम पर गलबा हासिल कर सकती है। ही इज इम्प्लाइंग दैट यू आर वेरी पावरफुल एंड यू कैन नॉट डाई। दिस काइंड ऑफ डिफीट शुड नॉट ओवरवेलम यू, ये नहीं होना चाहिए कि इस किस्म की शिकस्त से आप बिल्कुल ही जो है वो हार मान लो, आप बिल्कुल हैरान हो के अपनी स्ट्रगल को छोड़ दो, अपने पर्पस को छोड़ दो। और फिर उनसे कहते हैं कि
और हैव ई चूजन दिस प्लेस आफ्टर द टॉयल ऑफ बैटल टू रिपोज यूर वेरिड वेरिड वर्चू। अब वो क्या कह रहा है कि क्या यानी ये तुमने खुद तो नहीं डिसाइड कर लिया कि यू हैव बीन इन अ बैटल एंड यू वर टायर्ड आफ्टर अ ड्रेडफुल बैटल एंड नाउ यू हैव चोजन टू टेक रेस्ट हियर इन हेल। तुमने यहाँ कहता खुद तो इस जगह को पसंद नहीं कर लिया अपने आराम के लिए, वो जो तुम्हारी अच्छी तुम्हारी क्वालिटी थी लड़ने के बाद जो है वो तुम थक गए हो, और थकने के बाद जो है तुमने डिसाइड कर लिया कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी मोर चांसेस और वी आर नॉट गोइंग टू एग्जर्ट अवर सेल्फ एनी मोर, अब जो है हम यहाँ पे जो है वो आराम करेंगे। ये एक किस्म की टॉन्ट है, ताना है उनको जो है उनकी स्ट्रेंथ याद दिलवा के, और बाद में जो है उनसे एक ज्यादा बड़ा काम करने के लिए उनको जो है वो तैयार कर। फॉर द ईज यू फाइंड टू स्लम्बर हियर, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे सोने में तुम्हें बड़ी आसानी लगती होगी, इसलिए हो सकता है तुम इसलिए यहाँ पे पड़े हुए हो इतनी देर से कि तुमने डिसाइड कर लिया कि हम जो है वो यहाँ आराम से सोएं और वो जंग और मैदान की बात को ना सोचें। एज इन द वेल्स ऑफ हेवन, यानी क्या तुम इसको इतना ही कंफर्टेबल महसूस करते हो जितना कंफर्टेबल तुम हेवन को महसूस करते थे, जन्नत को जो है वो महसूस करते थे। तो स्टूडेंट्स इन इस एग्जॉर्टेशन को जो है वो देख के आप सैटर्न के करेक्टर की लीडरशिप की और बहुत सारी क्वालिटीज जो है वो ड्राइव कर सकते हैं कि किस तरह से वो अपने फॉलोअर्स के सेंटिमेंट्स के साथ जो है वो खेलता था, किस तरह से लीडर्स जो है वो अपने फॉलोअर्स के सेंटिमेंट्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं। और इन दिस एब्जेक्ट पोस्चर हैव ई स्वर्न टू अडोर द कनकरर। अब एक और ये टॉन्ट है, एक किस्म का ताना है कि क्या तुमने जो इस ये जो हकीर किस्म की तुम्हारी हालत हो गई है, यू हैव बिन ह्यूमिलिएटेड, और अब तुमने कसम खा ली है कि तुम उसकी कनकरर गॉड को जो है वो कहा जा रहा है कि उसकी इबादत करोगे, अब तुमने जो है वो आफ्टर यू हैव बिन डिफीटेड नाउ यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल वर्शिप गॉड हु हैज इन्फ्लिक्टेड अ वेरी सवेयर डिफीट अपॉन यू, कि जिस अल्लाह ने तुम पे बहुत शदीद किस्म की शिकस्त मसल्लत की है, क्या तुमने फैसला कर लिया कि इस हकीर हालत में उसकी इबादत करोगे। हु नाउ बिहोल्ड कैरब एंड सैरफ रोलिंग इन द फ्लड विद स्कैटर्ड आर्म्स एंड इंसाइंड। अब गॉड को जो है वो कहा जा रहा है कि गॉड जो है वो देख रहा है कि किस तरह से ये फरिश्ते और ये आसमानी मखलूक आग के सैलाब में लेटी हुई है, इनके हथियार जो है वो बिखर गए हैं, झंडे जो है वो इनके जो है वो इनसे जुदा हो गए हैं, किस तरह से ये इस आग के सैलाब में एक बड़ी हकीर हालत में ह्यूमिलेटेड सिचुएशन में मौजूद हैं। अच्छा अब टिल अनन ही हिज स्विफ्ट परसुअर्स फ्रॉम हेवन गेट्स डिसर्न द एडवांटेज। अब हो सकता है कि जल्द ही गॉड की आर्मीज को कहा कह रहा है कि गॉड के जो गॉड के सपोर्टर एंजल्स हैं उनको कह रहा है तो वो जल्द ही ये देख लेंगे तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी हो गई है, तुम तो इस हालत में पहुंच गए हो कि यू कैन नॉट रेजिस्ट नाउ एनी मोर, अब वो इस एडवांटेज से फायदा उठा सकते हैं। डिसेंडिंग ट्रेड अस डाउन दस ड्रूपिंग, फिर वो क्या कर सकते हैं, दे कैन कम बैक एंड अटैक अस, वो यहाँ पे जो है हम पे दोबारा जो है वो हमला कर सकते हैं। एंड इफ दे अटैक नाउ दे विल नॉट लीव एनी थिंग विद अस, वो हमें बिल्कुल खत्म कर देंगे, हमें कुचल देंगे, हमारी ताकत को बिल्कुल जो है वो खत्म कर देंगे। और विद लिंक्ड थंडर बोल्ट ट्रांसफिक्स अस टू द बॉटम ऑफ दिस गल्फ, या जो है वो क्या कर सकते हैं, वो थंडर बोल्ट है जो एक वेपन ऑफ गॉड जैसे थंडर गर्ज चमक, उसकी मदद से वो हमें जहन्नम के बिल्कुल आखिरी वाले हिस्से में जो है वो डाल देंगे, यानी हमारी कोई सिग्निफिकेंस जो है वो नहीं रहेगी। अच्छा अब ये उनसे कहते हैं अवेक अराइज और बी फॉर एवर फॉलन, कहते हैं कि उठो बुलंद हो अब खड़े हो नहीं तो हमेशा के लिए जो है वो गिर जाओगे। अब आप इस स्पीच को अगर जो किसी भी रेवोल्यूशनरी लीडर या किसी भी पॉलिटिकल लीडर के साथ जो है वो कंपेयर करें तो ये इस किस्म के वर्ड जो है वो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी एग्जॉर्टेशन होते हैं एंड दे पुल देम टू एक्शन, वो उन्हें एक्शन की तरफ जो है वो लेके जाते हैं। एंड समटाइम्स दिस एक्शन लीड्स टू डिसीजिव चेंज इन द पोजिशन, जो विक्टर होता है वो डिफीटेड हो जाता है इस किस्म की सिचुएशन में अगर जो है वो सपोर्टर अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करें।
ठीक है जी। अब फॉलन एंजल्स पर उसकी इन इन वर्ड्स का स्पीच का क्या असर होता है? दे हर्ड, उन्होंने सुना, एंड वर अबेस्ड, और शर्मिंदा हुए। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हाउ सैटर्न वाज हेल्ड अमंग हिज फॉलोअर्स। आप इन लाइंस को, इनका जो है वो रेफरेंस जो है वो कोट कर सकते हैं कि क्या वो शर्मिंदा हुए जब उन्होंने सुना, वो दे वर सॉरी फॉर देम सेल्फ, अपना वो सारी तकलीफ जो है भूल गए, जो कुछ जिस हालत में थे। अप दे स्प्रंग, खड़े हो गए, अपॉन दी विंग्स, अपने परों पर। एज वेन मैन वॉन्ट टू वॉच ऑन ड्यूटी, अब यहाँ पे सिमिली के जरिए मेल्टन हमें जो है वो समझाना चाह रहा है कि किस तरह की सिचुएशन थी उनकी, कि ऐसे लोग जो ड्यूटी पर होते हैं, स्लीपिंग फाउंड बाय होम दे ड्रेड, यानी उनका कोई ऑफिसर, कोई आला ऑफिसर उनको सोते हुए जो है वो डिस्कवर कर लेता है कि उनका काम जो था वो वॉच रखना था, विजल रखना था, लेकिन दे स्लैप्ट। एंड वेन देर स्लीपिंग सम ऑफ देयर सुपीरियर कम देयर, और उनका कोई सुपीरियर जो है वहाँ आता है और उनको जो है वो देखता है, रोज एंड बिस्टर देमसेल्फ आर वेल अवेक, यानी वो फौरन ही जो है वो खड़े हो जाते हैं, हालांकि वो जागे भी नहीं होते। तो इस किस्म की उन एंजल्स की जो है वो सिचुएशन थी। तो ये सैटर्न की रिस्पेक्ट थी, सैटर्न की जो है वो प्लेस थी अमंग हिज फेलो एंजल्स, इस तरह से उसको जो है वो लेते थे, एज समवन वेरी मच सुपीरियर। नॉर दे डिड दे परसीव द इवल प्लाइट, ना उन्होंने जो है उस सारी सूरत हाल को जो है वो समझा, इन विच देवर, जिसमें थे, और द फियरस पेन द नॉट फील, ना ही उन्हें दर्द जो है वो टॉर्चर जो है महसूस हुआ जिसमें से जो है वो गुजर रहे थे। येट टू देयर जनरल वॉइस दे सून ओबेड इन नंबर, उन्होंने अपने जनरल की जो वॉइस है, आवाज है, उस पे लबैक कहा, और वो ला तादाद थे, यानी वो खड़े हो गए अपने सारे पेन और सारी तकलीफ को छोड़ के, और अब उन्होंने जो है वो दे हैव डिसाइडेड टू एक्ट अपॉन व्हाट एवर देयर लीडर टेल्स देम टू डू। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इन लाइंस में मिल्टन के कैरेक्टर सैटर्न की बहुत और अच्छे तरीके से जो है वो पोर्ट्रेल होती है, और स्टोरी जो है वो और आगे बढ़ती है कि एंजल्स, जो फॉलन एंजल्स हैं, नाउ दे विल लीव द फ्लड ऑफ फायर एंड दे विल कम विद सैटर्न ऑन अ सॉलिड प्लेस इन हेल, वेयर दे विल मीट एंड डिसाइड व्हाट दे वर टू डू इन फ्यूचर, कि उन्होंने मुस्तकबिल में क्या करना था। स्टूडेंट्स, आई विल बी डिस्कसिंग दिस लिटरेचर इन फ्यूचर एज वेल। इफ यू फाइंड दिस काइंड ऑफ लेक्चर आर हेल्पफुल फॉर यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लिटरेचर, और दे कैन बी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग लिटरेचर, यू शुड सब्सक्राइब टू यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑन यूट्यूब एंड आस्क योर फ्रेंड टू डू द सेम एंड शेयर दिस वीडियो लेक्चर विद योर फ्रेंड फ्रेंड्स, बिकॉज दिस विल गिव मी मोर मोटिवेशन टू कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट इन फ्यूचर एज वेल। इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम बुक इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज।